हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में हड़ताली इंटर्न चिकित्सकों का कार्य बहिष्कार व धरना जारी। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टरों का अपनी मांगों को लेकर मथुरादास माथुर अस्पताल में दिया जा रहा धरना गुरुवार को भी जारी रहा। इसके साथ ही आज मथुरादास माथुर अस्पताल के गेट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का पुतला भी चढ़ाया गया। मानदेय बढ़ाने व अन्य मांगों को लेकर इंटर्न डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर भी अभियान चला रखा है। वहीं कुछ डॉक्टरों ने जयपुर जाकर वहां की जा रही भूख हड़ताल में भी शिरकत की। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे जाने के कारण इंटर्न डॉक्टर्स ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के पुतले जलाकर प्रदर्शन किया। मांगे नहीं मानने पर अब इंटर्न डॉक्टर्स ने जयपुर में भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने बताया कि इंटर्न का मानदेय बढ़ाने के लिए ये कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। कोविड में कार्यरत इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाने और कोविड ड्यूटी प्रति उपस्थिति के हिसाब से देने की मांग को लेकर हड़ताल की गई। इंटर्न से कोविड में पिछले 6 महीने से ड्यूटी कराई जा रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन और सरकार कभी भी इंटर्न के मानदेय को बढ़ाने के लिए प्रयास नहीं कर रही है। देश भर में सबसे कम मानदेय पर राजस्थान में इंटर्न काम कर रहे हैं। उन्हें 233 रुपए प्रतिदिन का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन को लिखित और मौखिक तौर पर कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक प्रयास नहीं कर रहा। इसे सभी इंटर्न में रोष है। डॉक्टर से स्टाइपेंड इंक्रीमेंट की डिमांड को लेकर आज हमारी हड़ताल का 10वां दिन है, मगर फिर भी सरकार ने एक भी बार हमारी बात नहीं सुनी है। किसी भी सरकारी अधिकारी ने आकर हमसे नहीं पूछा है कि आखिर हमारी डिमांड क्या है। कहने को तो हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई हम पे ध्यान नहीं दे रहा है। आज यहाँ पर हड़ताल का 10वां दिन है, लेकिन फिर भी कोई बात हमारी सुन नहीं रहा है। आज हमने पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है और आज हमारे कुछ साथी जयपुर जाकर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो ये हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।